Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope that you all are fine. You are watching the channel Mental Maths. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ्स. ये मैट्रिक की मैथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेवेंट टॉपिक है हमारा. 100 मार्क्स का पेपर आता है, 3 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं. अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं सिंध बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हैं. सेक्शन ए हमारा एमसीक्यूज बेस्ड होता है. 20 मार्क्स का ये सेक्शन है और 20 एमसीक्यूज आते हैं. सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहलाता है. 50 मार्क्स का ये सेक्शन है. इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स आउट ऑफ 15. 15 में से हमने 10 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं. अच्छा, ये 10 पार्ट कैसे होंगे? सपोज़ क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3. तो किसी अगर स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया तो इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 3 पार्ट्स होंगे. यहाँ से 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 + 2 = 4 हो गए. फिर क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट्स होंगे. यहाँ से सपोज सेकेंड और थर्ड पार्ट कर लिया तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 2 + 2 + 2 = 6 हो गए. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट्स होंगे. यहाँ से भी आप 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं और 6 में भी ऐसे आप 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं, 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10. तो इस तरह आपके पास 10 पार्ट्स हो गए. इन शॉर्ट, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में से आपने 2 लाजमी अटैम्प्ट करना है, एक की च्वाइस है. तो ये करंट पैटर्न है हमारा. तो इस तरह हर पार्ट जो है वो हमारा 5 मार्क्स का है. 10 पार्ट्स करने, 5 × 10 = 50. तो 50 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे. सेक्शन सी हमारा डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है. 30 मार्क्स का ये सेक्शन है. इसमें से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 5 में से. क्वेश्चन नंबर 7 ये कंपलसरी है, ये तो आपने हर हाल में करना ही करना है. अच्छे, इसमें आमतौर पर थ्योरम्स आते हैं, 7, 8, 10. इनमें से कोई एक थ्योरम आता है जो 10 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन नंबर 8 ये ग्राफ है और ये ग्राफ एक्सरसाइज 6.2 से आता है. क्वेश्चन नंबर 9 इसमें शॉर्ट थ्योरम्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइजेशन है, इसके फैक्टराइजेशन के 4 पार्ट्स आते हैं, हर पार्ट 2.5 का होता है. और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 है. तो इन शॉर्ट 7, 8, 9, 10 में से आपने 7 तो करने ही करना है. 8, 9, 10 इन 11, इन चारों में से आपने कोई 2 क्वेश्चन और करने हैं. तो इस तरह आपके यहाँ से आ जाएंगे 3 क्वेश्चन. तो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स है, 3 × 10 = 30. तो 20 MCQs के, 50 इसके, 70 सेक्शन सी के, 30. तो इस तरह आपके 100 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न हो गया. अच्छा, आप इस वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको किसी ट्यूशन, किसी भी चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और आप 100 out of 100 ईजिली इस पेपर में ले सकते हैं. और मेरा ओपिनियन मैथ्स के हवाले से ये है कि अगर कोई बच्चा 99 भी ले लेता है तो मेरी निगाह में फेल है. रीज़न इसका यह है कि जब आपको एक सब्जेक्ट 100 out of 100 दे रहा है तो आप क्यों नहीं ले रहे? चेकर के पास कोई मौका नहीं होता कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट करे. कोई राइटिंग इशू नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिवाय ये कि जब तक आप उसको खुद ऑप्शन ना दें. ये वाहिद आपका मैट्रिक का सब्जेक्ट है जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है. तो आप इसको अच्छे से अगर देखें, प्रैक्टिस करें, इंटरेस्ट लें तो आप इजीली 100 मार्क्स उठाकर अपनी परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई होगी. अच्छा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स की जानिब. तो सेट्स के सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि जो टर्म्स हमारे पास यूज़ होती हैं उनको हम देखते हैं. तो हेडिंग लगाइए, टर्मिनोलॉजीज ऑफ चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 1 की जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे. पहली टर्म है यूनियन. यूनियन का सिंबल जो है ना इस तरह होता है, ठीक है, यू. अच्छा, एक तो यह है यू, यूनियन, ठीक है जी. यूनियन को हम इस तरह लिखते हैं. इसके जो है वो एंड साइन पे कुछ नहीं होता. ये तो हो गया जी यूनियन. और एक होता है यूनिवर्सल सेट. आम तौर पे बच्चे इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं. भाई याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट जो होगा उसके उसके दोनों एंड के ऊपर ये डैश निशान लगा होगा, डैश का साइन होगा. तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, यूनि
वर्सल का साइन है ये, ठीक है जी। आम तौर पर बच्चे इन दोनों को एक ही समझते हैं, ये एक ही नहीं है। यूनियन के एंड पे कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सल के एंड पे दो डैश लगे होंगे, ठीक है। तो ये यूनियन का साइन है, ये यूनिवर्सल का है, क्लियर हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यूनियन की। यूनियन का सिंबल यू है, इसमें होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स होंगे हम उन सबको मिलाकर एक सेट बना देंगे, ये काम है यूनियन का, ठीक है। सेकंड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के जो सिंबल है वो बिल्कुल यूनियन के ऑपोजिट है, इस तरह बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं, यानी कि जो भी सेट्स होंगे उन सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम इसमें लिख देंगे। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का साइन इस तरह होता है, ठीक है, इसको प्रीमियम भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ओमिट सेम एलिमेंट्स, जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के उसको हम निकाल देते हैं। देन राइट रिमेनिंग्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिख देते हैं बस, जो कैंसिल आउट होने से बच जाते हैं, ठीक है जी। और याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट में हम सिर्फ यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखते हैं बस, और कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्टली रिलेशन होता है यूनिवर्सल सेट से। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो लाजमी तौर पर यूनिवर्सल सेट भी गिवन होगा। फोर्थ डिफरेंस। डिफरेंस साइन जो है वो माइनस की तरह होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ओमिट सेम एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स को हम निकाल देते हैं। देन राइट रिमेनिंग्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहला वाला जो सेट होगा उसके हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे। सपोज अगर मैं ए माइनस बी का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो ए माइनस बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे जो सेम होंगे उनको हम निकाल देंगे, बाकी ए के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको हम लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बी माइनस ए निकाल रहा हूँ, तो बी और ए के जो सेम एलिमेंट होंगे उसको हम पहले अलग कर लेंगे, फिर बी सेट के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारा बी माइनस ए के लाएगा। फिफ्थ जो टर्म है वो डेल्टा है। डेल्टा का साइन इस तरह होता है, ट्राइंगल की तरह। ओमिट सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट इसमें हम निकाल देते हैं। देन कंबाइन रिमेनिंग्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, इसमें हम दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देते हैं। सपोज ए माइनस बी है, इन दोनों के सेम एलिमेंट्स को हमने अलग कर लिया, ए के जो बचे वो भी लिख दो, बी के जो बचे वो दोनों को मिला के लिख दो। यही फर्क है डिफरेंस और डेल्टा के अंदर, के डेल्टा में हम सारे रिमेनिंग को मिलाकर लिख देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इसका साइन क्रॉस की तरह होता है। इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं एक्स कॉमा वाई, इस तरह हम ऑर्डर पेयर बना के लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये 2019 के अंदर हमारा क्वेश्चन आया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। देन प्रूफ दैट, हमने प्रूफ ये करना है कि ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि ए डेल्टा बी किसके इक्विलेंट है, तो याद रखिएगा ए डेल्टा बी इक्विलेंट होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। या अगर आपके पास ये आ जाए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्विलेंट होता है, तो आपका आंसर होगा ए डेल्टा बी। तो आइए आज हम इसको हम प्रूफ करना सीखते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में हमने क्या क्या करना होता है, दोनों साइड्स को सेम बताना होता है कि एक दूसरे के इक्विलेंट है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए डेल्टा बी, ठीक है। करें कैसे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए डेल्टा बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स, यहाँ पर ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स है 1 till 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेल्टा का साइन है, डेल्टा का साइन लगा देंगे, डेल्टा का साइन हमने लगाया पर। उसके बाद जो सेट है वो है सेट बी 2 4 6 8 10।
ठीक है जी। अब हमने निकालना है ए डेल्टा बी, उसका तरीका क्या होगा जी? पहले आप देखने सेम कॉन्स्टेंट को कैंसिल आउट कर दें, टू टू कैंसिल आउट हो गया, फोर है फोर है, सिक्स है सिक्स है, एट है एट है, और कोई सेम नहीं है। यहाँ क्या बचा? वन, थ्री, फाइव, सेवन। डेल्टा में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो यहाँ पे टेन बचा है, टेन को भी लिखेंगे। और समझ में आया आपके? दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, पहले हम सेम एलिमेंट्स को निकाल देंगे, जो बचेगा उनके दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिख देंगे। तो ये आ गया ए डेल्टा बी, वन थ्री फाइव सेवन टेन। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो वो इक्विवेलेंट है जी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है जी, इसको देखते हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो यहाँ हेडिंग लगा देंगे फॉर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का साइड क्या है? वन टिल एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। उसके बाद यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लगा देंगे। फिर लिखेंगे हम बी साइड, बी है टू फोर सिक्स एट टेन। ठीक है जी। अच्छा जी, ए यूनियन बी, यूनियन में हम क्या करते हैं? सबको मिला लेते हैं। याद रखिएगा, यूनियन जब हम लेंगे तो हमने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ टू है तो यहाँ टू है, तो ऐसा नहीं कि हम टू कॉमा टू लिख देंगे, बल्कि एक ही टाइम लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरा, हमने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये टेन। ठीक है जी, ये हो गया ए यूनियन बी। अब यहाँ हेडिंग लगाएंगे फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कम कर लेते, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है, ए का साइड लिख लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है जी, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, लगा दिया। फिर बी साइड लिखेंगे, बी का है टू फोर सिक्स एट टेन। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? जो सेम एलिमेंट होंगे उसको लिख लेंगे। सेम कौन है? यहाँ पे टू सेम है, टू सेम है, फोर सेम है, फोर सेम है, सिक्स सेम है, सिक्स सेम है, एट सेम है, एट सेम है, बस। तो टू फोर सिक्स एट हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी जो हमने निकाला वो क्या था? वन टिल टेन, और ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाल लिया टू फोर सिक्स एट। तो ए यूनियन बी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो फॉर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? वन टिल टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड टेन। माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी टू फोर सिक्स एट। ठीक है, माइनस में क्या करते हैं? सेम एलिमेंट्स को हम ओमिट कर देंगे, टू है टू कैंसिल हो गया, फोर फोर भी कट गया, सिक्स सिक्स भी कट गया, एट एट भी कट गया। माइनस में हमने क्या कहा था?
सिर्फ पहले वाले के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया जनाब हमारे पास 1, 3, 5, 7 and 10, ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा हम इसको चेक कर लेते कैसे आए। डेल्टा बी क्या था, ए डेल्टा बी था 1, 3, 5, 7, 10, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1, 3, 5, 7, 10, बोथ सेट्स के एलिमेंट सेम हैं, इट मीन्स दैट हम यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं जी ए डेल्टा बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है जी। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं जो मैट्रिक या 9 के अंदर हों हमारे, ताकि ये उन तक ये समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तब शेयर कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा।